हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो फ्रेंड कैसे हो आप लोग। सो फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोटो FRP। ठीक है, तो आज मैं आपको मोटोरोला की FRP रिसीट करना बताऊंगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये मोटो है G4 प्लस। ठीक है, और इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो इसमें जो है क्वालकॉम सिप है फ्रेंड, तो मैं आपको इसको रिमूव करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, और UMT डोंगल की मदद से मैं आपको रिमूव करना बताऊंगा, और फ़ोन को फैक्ट्री मोड पर लाना है। ठीक है, तो चलिए हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ का बटन प्रेस करना है और पावर ऑफ करना है। ठीक है, और वॉल्यूम डाउन और पावर की को एक साथ प्रेस करना होगा, और फ़ोन को आपको फैक्ट्री मोड में लाना है। तो देखिए फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है, हम यहाँ पे फ़ोन को फैक्ट्री मोड में लाते हैं। देखिए ये फ़ोन फैक्ट्री मोड में आ चुका है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्री मोड सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम अप से अप डाउन को आपको यूज़ करना है, और यहाँ पे इसको चेंज करना है, और यहाँ पे फैक्ट्री मोड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फैक्ट्री मोड पे ला के बस आपको फ़ोन को कनेक्ट करा देना है, आपको ओके बटन कुछ भी प्रेस नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको UMT डोंगल स्टार्ट करना होगा। तो चलिए हम UMT डोंगल को स्टार्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अल्टीमेट मल्टी टूल को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आई हैव रीड फिट टिक करना है और एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे आपको वेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मोटो QC पे आना है। तो देखिए यहाँ पे आपको मोटो QC नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, फ़ोन को आपको बूट कराना है। तो सबसे पहले फ़ोन को फैक्ट्री मोड में लेके आ जाए। सबसे पहले आप फ़ोन को फैक्ट्री मोड में लेके आ जाए। तो देखिए मैंने फ़ोन को फैक्ट्री मोड में लेके आ चुका हूँ। ठीक है, और बस सिंपली यहाँ पे आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ फ़ोन कनेक्ट करने के बाद डिवाइस मैनेजर में ये पोर्ट शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे ADB पोर्ट जो है इसने शो कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड, और न्यू FRP। तो यहाँ पे आपको ऑल अदर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे न्यू FRP पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जैसे ही आप न्यू FRP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। देखिए फ्रेंड ये यहाँ पे लिख रहा है क्या, वेट फॉर कम्प्लीटली स्टार्ट। तो जब तक आपका फ़ोन कम्प्लीटली स्टार्ट ना हो जाए, ये इसी तरीके से रिस्टार्ट होता रहेगा, तो तब तक आपको वेट करना है, घबराना नहीं है फ्रेंड यहाँ पे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे वेट करना है। तो फ्रेंड ये फ़ोन बार बार रिस्टार्ट होता रहेगा, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, ये 8 से 10 मिनट इसी रिस्टार्ट होता रहेगा फ्रेंड।
सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, ठीक है, और ओके पे क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। फ्रेंड यहाँ पे फोन स्टार्ट हो चुका है, बस सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको वेट करना है फ्रेंड, जो उसके ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ड्राइवर अभी लिया नहीं है, तो ठीक है यहाँ पे ड्राइवर ले लिया है फ्रेंड। तो जब तक आपको USB डिबगिंग ऑन ना हो आपको ओके नहीं करना है। देखिए फ्रेंड योर डिवाइस इज रेडी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको अलाउ करना है फ्रेंड, और इसको ओके पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे ओके करने के बाद आपको सिंपली इधर ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे रिसीविंग एफ आर पी हो रही है फ्रेंड, आपको वेट करना है। तो देखिए रिसीविंग एफ आर पी ओके हो चुका है। वेट फॉर डिवाइस इंटर अब बूट लोडर मोड, तो यहाँ पे फोन बूट लोडर मोड में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए फोन को बूट लोडर मोड में लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे बूट लोडर मोड है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे बूट लोडर मोड में लेने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो फिनिश हो चुकी है। देखते हैं अपना फोन कम्प्लीटली ऑन हुआ या नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, और अपनी FRP जो है वो रिसीट हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले मोटोरोला में एक प्रॉब्लम आती है, आफ्टर FRP के बाद नेटवर्क नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिम कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिम डाल के देखते हैं फ्रेंड के नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं सिम कार्ड को लगा के। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसमें सिम कार्ड लगा लिया, वो हम लोग को स्टार्ट करना है फ़ोन को। देखिए हम यहाँ फ़ोन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है, यहाँ पे आइडिया सिम कार्ड जो है वो उसने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी वीडियो कम्प्लीटली हो चुकी है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे आइडिया सिम जो है वो कनेक्ट हो चुका है, ओके। तो
तो फ्रेंड ये था आज का हमारा टॉपिक, मैंने आपको मोटो की FRP रिसीट करना बताया, तो बहुत सिंपल है फ्रेंड, बस आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।